वी हैज द साउंड थ्रू ईयर्स ठीक है डिफरेंट साउंडस हो गए हमारे पास लाइक एरोप्लेन डोर बेल किसी भी पानी का भी इवन साउंड हम सुनते हैं ठीक है थीके? जैसे हम अगर ग्लास में डालें और उसको हम शेक करते हैं या पेंसिल उसमें डिप करते हैं तो उसका एक साउंड प्रोड्यूस होता है ठीक है नाउ इसमें पूरा प्रोसीजर गिवन है जो कि मैं आपको बहुत ईजी तरीके से इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ ईयर हैव थ्री मेन पार्ट्स द आउटर ईयर द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर ठीक है सबसे पहले साउंड कहाँ आता है वो आउटर ईयर के थ्रू आता है ठीक है इट्स कॉल्ड द आउटर ईयर एंड इट्स शेप इज लाइक फनल ठीक है द साउंड एंटर्स फ्राम दिस एरिया दैन इट गोज टू द ईयर ड्राम ठीक है ये ईयर ड्राम है हमारे पास यहाँ पे जाता है देन देयर आर थ्री बोन्स ओवर हेयर ठीक है वो आपस में वाइब्रेट करती हैं जिसको ऑस्किल्स कहा जाता है कम्बाइनली ठीक है वो फिर ट्रांसफ़र करता है कॉखलिया की तरफ ठीक है कॉखिया की तरफ जब वो जाता है क्या वाइब्रेशन जाती है हमारे पास ठीक है साउंड की वाइब्रेशन वो फिर कॉखलिया के पास जाती है कॉखिया के बाद जो है वो यहाँ पे टाइनी हेयर्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो साउंड को जो है वो वाइब्रेशन uh, में हेल्प करते हैं उनकी ताकि वो ब्रेन तक पहुंच सके और ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर सके कि ये एक साउंड है ठीक है ये सारा इसका प्रोसेस uh, था ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ये जाता है ठीक दूसरी बात ये है कि सबसे पहले uh, ये हिट करता है आउटर ईयर को ये वाला एरिया फिर उसके बाद मिडल ईयर में जाता है और फिर इनर ईयर जो कि हमारे पास यहाँ पे आता है फिर वो ब्रेन के पास पहुँचता है ब्रेन जो है वो आपको फिर बताता है कि दिस इज़ अ साउंड ठीक है यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये एक साउंड मौजूद है ठीक है दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ साउंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ नोज़ अब नाक कैसे हमारा काम करती है ठीक है नोज हम स्मेल किस तरह कर सकते हैं

हाउ द नोज़ वर्कस अब नोज़ काम कैसे करता है नोज़ सेवन सेंटीमीटर अबव बिहड द नोस्ट्रल देर ऑल फैक्ट्री नर्व वहाँ पर ऑल फैक्ट्री नर्व होता है जो कि आगे क्या करता है स्पेशलाइज टिश्यू है जो कि फिर किसी भी सेंट रिसप्टर को एक्टिवेट करता है ठीक है आपको पता है आपकी नोज़ के अंदर जो है वो टाइनी हेयर्स मौजूद होते हैं जिस को हम सीलिया का नेम देते हैं ठीक है वो हमारे फिल्टर करके जो है वो नाक के अंदर नोस के अंदर जो है वो पहुंचाता है खुशबू को किसी भी फ्रेगनेंस को ठीक है फिर वो रिसेप्टर्स उसको बताते हैं कहा किस को बताते हैं आगे मैसेज जाते हैं ब्रेन तक ठीक है और फिर ब्रेन बताता है कि ये एक स्मेल आ रही है या फ्रेगनेंस आ रही है जो अच्छी है वो अच्छी बताता है जो बुरी है वो फिर आपको बैड में पता चल जाता है स्मेलिंग हेल्प्स इन मैनी वेज ये बहुत चीज़ों में हेल्प करती है क्यों क्योंकि हम Uh, जो खाना हमारे पास आता है इवन वो भी हम इसी में देख सकते हैं अगर वो स्मेलिंग में अच्छा लग रहा है तो हमें पता है कि ये खाना अच्छा होगा ठीक है वी कंसिडर टेस्ट एज एक्चुअल स्मेल ठीक है स्मेलिंग वॉन्स एज अबाउट द बैड स्टफ लाइक रोट इन फूड और स्मेल ऑफ बर्निंग ठीक है हमें स्मेल ही बताता है कि ये कोई चीज़ ख़राब हो गई है या फिर नहीं हुई भी ठीक है नंबर नेक्स्ट इज टंग टंग के बारे में पढ़ेंगे दिस इज योर टंग ठीक है ये आपकी टंग uh, का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसमें पार्ट्स बताए हुए हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा वर्क परफॉर्म करता है ठीक है टंग जो है वो मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ इट लेट्स एस नो अबाउट द टेस्ट ठीक है जैसे ही हम खाना कोई च्यू करते हैं तो वो हमें टेस्ट के बारे में बताता है दिस इज़ योर बेटर एरिया जहाँ पे हमें कड़वे का पता चलता है ठीक है दिस इज़ योर शोर एरिया जहाँ पे खट्टा जो होता है वो पता चलता है दिस इज़ योर सॉल्टी एरिया जहाँ पे नमकीन पता चल जाता है एंड दिस इज़ योर स्वीट एरिया ठीक है यहाँ पे हमें स्वीटनेस का पता चल जाता है द टेस्ट बर्ड सेंस फोर बेसिक पार्ट्स है फोर बेसिक पार्ट्स है कौन से हो गए स्वीट, सॉल्टी एंड बिटर, ठीक है ये हमारे पास टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन से फ्लेवर क्या आ रहा है हमारे माउथ के अंदर ठीक है हाउ द टंग वर्क्स अब टंग काम कैसे करती है When we put food in our mouth, receptors रिसप्टंग्स इंटरेक्ट वापस में इंटरेक्ट करते हैं then वो केमिकल produce करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि क्या ये bitter है क्या ये sour है क्या ये salty है, है या फिर ये स्वीट में मौजूद है ठीक है दिस वॉज वर्क ऑफ द टंग नाउ वी आर गोइंग टू सी वर्क ऑफ स्किन अब स्किन हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा लेंथी uh, प्रोसेस में आ जाता है बिकॉज ये सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट एक्टिंग सेंसरी ऑर्गन है ठीक है स्किन जो है आपकी ये बहुत ज़्यादा जल्दी एकदम पिक करती है ऑन एवरेज पर्सन हैव नियरली 1.8 पॉइंट एट मीटर स्क्वेयर स्किन ऑन बॉडी ठीक है ये उनकी एवरेज पर्सन के बारे में बात करने हैं ये स्किन किस किस को प्रोटेक्ट कर रहा है बोन्स मसल्स एंड एवरी ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी ठीक है ताकि वो किसी भी चीज़ से हार्म ना हो सके लाइक जर्म्स एंड वाटर को वो हमसे दूर रखता है इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड मैन्युफैक्चर विटामिन डी इन सनलाइट ठीक है ये क्या करता है ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है और सनलाइट से विटामिन डी लेकर भी हमें प्रोवाइड करता है ना स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन में हमारे पास जो है तीन स्ट्रक्चर बताए हुए हैं विच इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी वन ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास एपिडर्मिस डर्मिस और सब सबक्यूटेनियस फैट ठीक है ये तीनों uh, इसके टाइप्स हैं अब वो बता रहे हैं एपिडर्मिस क्या होता है अब पिक्चर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एपिडर्मिस यहाँ पे ये देख लीजिए दिस इज डर्मिस पार्ट एंड दिस इज सबक्यूटेनियस टिश्यू ठीक है यहाँ पे फैट मौजूद होता है हमारे पास एपिडर्मिस टॉप लेयर है हमारे पास ठीक है इट इज द टॉप लेयर डेड सेल्स और फ्लैट सेल्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास इट इज़ वेरी थिन ये बहुत पतली होती है और आईलिट्स के इर्द गिर्द भी हमारी जो स्किन है वो एपिडर्मिस की होती है ठीक है इट मेक न्यू सेल्स ये न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करती है गिव स्किन इट्स कलर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ठीक है ये हमारे डर्मिस का, का काम हो गया नाउ डर्मिस का हमारा क्या काम है द डर्मिस इज थिकर देन एपिडर्मिस ठीक है वो थिकर है वो क्या करती है स्वेट पसीना लाने में हेल्प करती है ठीक है ताकि हमारे जो बॉडी में जो टॉक्सिस हैं वो बाहर निकल सकें मेकिंग ऑयल टू कीप आवर स्किन सॉफ्ट वो सॉफ्ट रखती है हमारे स्किन को और फीलिंग थिंग्स यानी जो हमारे फीलिंग के रिसेप्टो सेंस के काम कर रहे हैं टच प्रेशर पेन या टेम्परेचर की चेंजेस का वो हमें सारा जो है डर्मिज बताना है नोसपक्यूटेनियस फैट ठीक है ये हमारे पास फैट लेयर होती है सबसे बॉटम लेयर है हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में गिवन है और ये क्या करती है ये जो है डर्मिस को बॉडी मसल्स और बोन्स के साथ कंबाइन करती है ज्वाइन करती है और ये कंट्रोल करती है बॉडी टेंपरेचर को और इट्स स्टोर्स द फैट ठीक है नाउ हाउ द स्किन फील्स थिंग्स अब स्किन कैसे फील करती है इसके बहुत सारे तरीके हैं ठीक है थीके? पेन भी टेंपरेचर ते, प्रेशर वो सब कुछ फील करती है अब यहाँ पे क्या है पेन रिसेप्टर्स ओवर द बॉडी सबसे पहले है द प्रेजेंट इन द स्किन मसल्स बोन्स एंड ब्लड वेसल्स एंड सम अदर ऑर्गन्स ए डिटेक्ट्स बाई पेन ठीक है टेम्परेचर रिसेप्टर्स अलग होते हैं जो कोल्ड और हॉट को देखते हैं टच एंड प्रेशर वाले अलग होते हैं जिससे हमें टच का पता चलता है और प्रेशर का पता चलता है ठीक है दिस वॉज़ योर चैप्टर ऑफ सेंस एंड सेंस ऑर्गन आई होप आपको बहुत क्लियर uh, हो गया होगा और कोई ईश्यू नहीं होगा इफ़ यू हैव एनी इश्यू यू कैन कैन आस्क ओके और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंगाफिज़ टेक केयर